क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यहाँ जाऊँ मैं, यहाँ पे आने का मेरा सपना था जो कि आज पूरा हुआ। यूनिवर्सल एक्सप्रेस $90 और यूनिवर्सल एक्सप्रेस अनलिमिटेड $140। यह यहाँ का टिकट का हिसाब किताब है यूनिवर्सल स्टूडियो का। काफ़ी ठंडा पानी, अच्छा लगा इस गर्मी में इतना ठंडा पानी मिला पीने के लिए। चलते चलते मैं आया तब सामने ही एक्वेरियम है और इस तरफ इसका टिकट काउंटर है और बिल्कुल इसके लेफ्ट की तरफ ही यूनिवर्सल स्टूडियो। अब इतना वक्त तो है नहीं मेरे पास कि मैं यूनिवर्सल स्टूडियो अंदर जा सकूं, क्योंकि अभी तकरीबन 1:30 बज गए, 2:30 बज गए। इसके बाद मैं क्या देखूँगा, यहाँ पे पूरा एक दिन चाहिए। वैसे तो एक दिन यहाँ पे काफ़ी नहीं है, 2 दिन ऐसे सुना है मैंने कि 2 दिन लगते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो पूरा देखने के लिए। ये है सिंगापुर का यूनिवर्सल स्टूडियो, यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर, देख के बहुत अच्छा लगा। इस यूनिवर्सल स्टूडियो के सामने कुछ वीडियो बना लिया और फोटो निकाल लिया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यहाँ जाऊँ मैं, यहाँ पे आने का मेरा सपना था जो कि आज पूरा हुआ। अगर मैं क्लू कैब से यूनिवर्सल की एक टिकट लेता तो 5000 में मुझे मिलती है, वैसे 6-6.5 हज़ार में डायरेक्टली यहाँ से मिलती है, बट क्लू कैब की तरफ से 5000 में। पूरा दिन हो तो लेने में कोई बात है, मगर आधा दिन लेने में कोई मतलब नहीं है। यहाँ टिकट काउंटर पे आके देखा मैंने तो यहाँ पे वन डे टिकट $83 और चाइल्ड की है $62। एक दूसरी भी टिकट थी मैंने देखा थी जो कि एक्सप्रेस उसको दिखा था, एक्सप्रेस $90 और यूनिवर्सल एक्सप्रेस अनलिमिटेड $140। यह यहाँ का टिकट का हिसाब किताब है यूनिवर्सल स्टूडियो का। सेंटोसा आइलैंड पे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली महंगी ही है। मैंने एक कोक का कैन देखा था जो कि $3.5 में था सिंगापुरियन डॉलर, और काफ़ी ऐसी महंगी है चीज़ें। तो आएंगे तो थोड़ा आप प्रिपेयर होके आना कि आपको यहाँ पे खर्चा करना ही होगा। और यहाँ पे जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम के टिकट चार्जेस से देखिए एडल्ट $44 और चाइल्ड के $33। मैं जो भी बता रहा हूँ मैं सब सिंगापुरियन डॉलर में बता रहा हूँ। ये है यूनिवर्सल स्टूडियो की एंट्री और यूनिवर्सल स्टूडियो में कौन सी जगह है और उसका पूरा मैप दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इस तरफ जैसे हॉलीवुड, न्यूयॉर्क, साइफाई सिटी, एंशियंट इजिप्ट, ये सब जगह दी हुई है। चाइनीज़ में है ये, इंग्लिश में भी था अभी, थोड़ी देर से चेंज होगा। देखिए इंग्लिश में वापस आ गया। ये द लॉस्ट वर्ल्ड जो जुरासिक पार्क का सेक्शन है, फार।
मैं बीच की तरफ चलते चलते जा रहा हूँ तो रास्ते में एक बहुत ही अच्छी जगह दिखी जो कि ये है। ज़मीन के अंदर से कुछ भाप निकल रही है, इसे बिल्कुल पानी है, ये तो स्प्रिंकल वाटर ऐसे इसी टाइप में है। अच्छा लगा, बहुत ही गर्मी हो रही थी, थोड़ा सा और मज़ा आ गया इसका। इतनी गर्मी में गीला होने में मज़ा ही कुछ और आ रहा है। यहाँ जो स्काई केबल कार है जो इस तरफ से जाती है, जो वीवो सिटी से आती है तो यहीं पे आती है। यूनिवर्सल स्टूडियो से थोड़ा आगे चलते आने के बाद जहाँ पे केबल कार की जगह है वहीं से देखें, ये छाव है पूरी बीच पे जाने के लिए इस तरीके से। और आप अगर थक गए हो काफ़ी तो यहाँ बैठने के लिए ऐसी सुविधा भी की हुई है। मैं भी थोड़ा थक गया हूँ मगर बैठने की जगह नहीं है, आगे देखूँगा। मैंने यहाँ पे एक बात देखी, मैं चलते चलते जा रहा था ऊपर की तरफ देखा तो ये फैन जो है मुझे हेलीकॉप्टर के पंखे दिख रहे हैं, कितने बड़े बड़े। चलते चलते सामने ही एक सेक्शन है और यहाँ पे जो वॉशरूम है उसके बाजू में ही ड्रिंकिंग वाटर की जगह है जो कि आप बॉटल भर सकते हो कूल वाटर ऐसे, ऑटोमेटिक है। काफ़ी ठंडा पानी, अच्छा लगा इस गर्मी में इतना ठंडा पानी मिला।